फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 में, मैं आपके साथ सोनू। फटाफट नजर डालते हैं जिले भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अपराधियों के हाथों में शोभा बढ़ाने वाले अवैध शस्त्र चुनाव में पुलिस की परेशानी बढ़ाने में हो सकते हैं सहायक। जिले में आए दिन गोलियां चला रहे बदमाश शांति व्यवस्था के लिए बने खतरा। लोड ट्रैक्टर मवेशियों को बचाने के चक्कर में पलटा, एक की मौत। विश्वविद्यालय थाने में बाईपास के समीप हुआ हादसा, नीलम साकेत नाम की महिला की हुई मौत। टैंकर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, चालक की हुई मौत। अमृतलाल पटेल के रूप में हुई पहचान। महापौर के लिए कई पार्टियों ने उतारे प्रत्याशी, आखिरी दिन 9 नामांकन हुए जमा। नगर निगम चुनाव में शहर में पार्षद के लिए 90 उम्मीदवारों ने जमा किए नामांकन। तहसीलदार ने पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण, कई पोलिंग बूथों तक पहुंचना है मुश्किल। ग्रामीणों ने लगाया आरोप, तहसीलदार शिकायत वापस लेने का बना रहे थे दबाव। जिले के गंगेयो जनपद पंचायत क्षेत्र के सिदहा ग्राम पंचायत का मामला। बंदियों को बताई गई योग एवं प्राणायाम की विधि। केंद्रीय जेल में अरविंदो जयंती पर हुआ कार्यक्रम। भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ, अरविंदो की जयंती के 185वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर केंद्रीय जेल में हुआ आयोजन। जाति पर ना धर्म पर बटन दबाए, कर्म पर 100% मतदान को दिलाई गई शपथ। किया दीवारों में लेखन, जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा मतदाता जागरूकता का चलाया जा रहा अभियान। समाज को विघटनकारी शक्तियों से बचाने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं पर। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत का हुआ अधिवेशन। स्थानीय इकाई ने अंग वस्त्र और तुलसी का पौधा भेंट कर अतिथियों का किया स्वागत। बच्चों को यौन शोषण तथा पॉक्सो एक्ट के बारे में दी गई जानकारी। बाल भवन में आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। महिला बाल विकास द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने जगह जगह वाहन चालकों को जागरूक करने का छेड़ा अभियान। डीएसपी मनोज शर्मा अपने दल बल के साथ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौराहा, बाईपास, त्यूनी मोड़, हनुमना, रायपुर, कचुलियान सहित अन्य स्थानों में किया कार्यक्रम का आयोजन। चालकों की साठगांठ से चलता था नकली सीमेंट का कारखाना। पुलिस कर रही जांच, ट्रकों से असली सीमेंट उतार कर उसमें मिलावट करके की जाती थी बिक्री। साइबर टीम की मदद से पुलिस जांच में जुटी। पिकअप चालक ने बाइक सवार देवेंद्र कुशवाहा को मारी टक्कर, गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सुपुरवा गांव में हुई घटना। घायल को पहुंचाया गया उपचार के लिए अस्पताल। कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर अवैध रूप से बोर कर रहे वाहन चालक व भू स्वामी के खिलाफ 188 की धारा के तहत मामला दर्ज। गुड़ थाना क्षेत्र के द्वारी में किया जा रहा था बोर। ऑफिसर्स कॉलोनी पीटीएस में चोरों ने बोला धावा, सीसीटीवी कैमरा, तार सहित अन्य सामान किया चोरी। अमैया थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया चोरी का मामला। असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति को किया खंडित, स्थानीय निवासी की शिकायत पर सिमरिया पुलिस ने दर्ज किया मामला। थाना क्षेत्र के लैन गांव का मामला, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों से लोग हुए घायल। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया काउंटर मामला। गढ़ थाना क्षेत्र के गुदरी गांव में हुआ विवाद, गीता विश्वकर्मा और अंजनी विश्वकर्मा के बीच चल रही थी रंजिश। गीता विश्वकर्मा की शिकायत पर सिब्बू विश्वकर्मा, सावित्री, पंकज, अंजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज। वहीं दूसरे पक्ष से अंजनी विश्वकर्मा की शिकायत पर गीता विश्वकर्मा के खिलाफ गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने का मामला हुआ दर्ज। दलित परिवार के साथ सरंग होने की मारपीट, सुहागी थाना क्षेत्र के सोनौरी सर्रा टोल में हुई घटना। मिथिलेश कुमारी हरजन की शिकायत पर डिप्टी उपाध्याय बाबा उपाध्याय के खिलाफ रास्ता रोक कर गाली गलौज, जातिगत रूप से अपमानित करने तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज। पनवार थाना क्षेत्र के गुदरोहा से किशोरी का हुआ अपहरण, घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर शुरू की तलाश। बोली लगाकर पैसा नहीं देने वाले बच्चा लाल पासी निवासी चौखंडी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। अनुज कुमार सिंह निवासी झुंझुनू राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान सिहुड़ा की शिकायत पर हुई कार्यवाही। धारदार चाकू लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं सैफ खान नाम के युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिछिया पुलिस ने कुठुलिया में की कार्यवाही। सिरमौर पुलिस ने नशीली कफ सिरप के साथ दो युवकों को पकड़ा। पकड़े गए युवकों की पहचान जितेंद्र और धनेश्वर उर्फ जूली साकेत के रूप में हुई। आरोपियों से 12 सीसी नशीली कफ सिरप बरामद। सिरमौर पुलिस ने ग्राम सदरहा निवासी प्रमोद श्रीवास्तव के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत की कार्यवाही। बंदूक का लाइसेंस नवीनीकरण न करने के चलते हुई थी कार्यवाही। कोतवाली थाना क्षेत्र के घोघर मोहल्ले से राकेश सिंह की बाइक चोरी, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, तलाश जारी। चौराहा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों से लोग हुए घायल। थाना क्षेत्र के उमरी गांव में हुई घटना, बबलू माझी के साथ चंद्रशेखर केवट, छुटकी केवट, शैलेन केवट, संदीप केवट ने की मारपीट। वहीं दूसरे पक्ष के शिकायत पर बबलू केवट, कमलेश केवट, बाबूलाल केवट, शांतनु के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज। बिछिया थाना क्षेत्र के कुठुरिया से चोरी हुई लोहे की सरिया, पीड़ित मोहम्मद रफी की शिकायत पर पुलिस तलाश में जुटी।
मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों का हुआ स्थानांतरण। रीवा एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा, हनुमाना जनपद पंचायत के CEO MR मेहरा का हुआ स्थानांतरण। राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ, शहर के 29 केंद्रों में 11,649 परीक्षार्थी शामिल। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, ADG KP वेंकटेश्वर राव ने सिंगरौली जिले में पंचायत चुनाव तथा नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 5 आर्तन अपराधियों को किया जिला बदर। आरोपियों में राहुल चिकवा, अमर उर्फ समर, बहादुर केवट, रजनीश सिंह, रामकृष्ण उर्फ कृष्णा यादव, नरेश साकेत निवासी निरालानगर शामिल। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। नमस्कार।